Hi guys, welcome back to my channel. And today in this video, we're going to be talking about should you even buy Canon G7X Mark II in 2021? सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट Canon G7X Mark II. मेरे पास ये कैमरा नवंबर 2019 से है एंड आई रिमेम्बर 2019 की दिवाली में मेरी बहन फ्रांस से इंडिया आई थी एंड शी बॉट दैट कैमरा फॉर हर सेल्फ बट देन शी टुक इट हेयर इन इंडिया और घर पे लेकर आई वो और फिर वो कैमरा तब से मेरे पास है और तब से लेकर अब तक मैं उस कैमरा को यूज कर रहा हूँ. इनफैक्ट अभी भी मैं उसी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तो ऑलमोस्ट मुझे 1.5 ईयर्स हो चुके हैं इस कैमरा को यूज करते हुए. तो आई प्रीटी मच नो इट वेरी वेल कि कैमरा में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसमें इश्यूज आते हैं या क्या इसकी अच्छाइयां हैं. तो आज हम उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये एक ब्लॉगिंग कैमरा है लेकिन मैंने इस कैमरा को हर एस्पेक्ट में यूज कर रखा है. मैंने इस कैमरा से शॉर्ट फिल्म्स बना रखी हैं, ट्रैवल वीडियोस बना रखी हैं, व्लॉग्स बना रखे हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रखी है, एनिमल फोटोग्राफी कर रखी है, मैक्रो फोटोग्राफी कर रखी है. जो भी मैं इस कैमरा से सीख सकता था इस कैमरा से कर रखा है. लेकिन ये कोई सिनेमा कैमरा नहीं है, इट्स अ ब्लॉगिंग कैमरा, एक सिंपल पॉइंट एंड शूट कैमरा है जो कि होम वीडियोस के लिए ही बना गया है. लेकिन मेरे पास कोई और कैमरा का इतना ज्यादा कोई बजट नहीं था, आई कांट अफोर्ड दोस कैमरास, तो हमने इससे ही जो कुछ बन सकता था हमने वो बनाया. अगर मुझसे भी कोई कहे कि अंशुल भाईजान आपको एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, दो तरीकों से, एक है कैमरा ये पॉइंट एंड शूट कैनन G7X Mark II और दूसरी तरफ है आपका ये प्यारा सा रेड कैमरा जो कि एक सिनेमा कैमरा है. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस कैमरा से एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बना दूंगा रादर देन अ रेड कैमरा. एंड द रीजन इज दैट क्योंकि मैं इस कैमरा को जान चुका हूँ, मुझे पता है इस कैमरा को यूज कैसे करना है एंड उसके बाद सिर्फ मेरी क्रिएटिविटी काम आती है. मुझे पता है कि रेड कैमरा कैसा दिखता है, क्या उसमें चीजें होती हैं, लेकिन मैंने उसको कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं किया है. अब इस कैमरा के थोड़े से मेन स्पेसिफिकेशंस पे आ जाते हैं. मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज काफी सारी वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं जो कि इसमें आपको डिटेल में इनकी स्पेसिफिकेशन बताती हैं. सो दिस इज अ 20.1 megapixel व्लॉगिंग कैमरा, अ डिजिटल व्लॉगिंग कैमरा विद CMOS सेंसर विच इज 1 inch. अब ये CMOS सेंसर क्या होता है और ये 1 inch ये सब क्या चीजें होती हैं, तो अब इतनी टेक्निकलिटीज में हम इस वीडियो में अभी नहीं जाएंगे, वो फिर कभी बात करेंगे जो भी टेक्निकल स्टफ होता है किसी और दिन करेंगे. और इसमें 4.2 into ऑप्टिकल जूम है जिसके बारे में अभी थोड़ी बाद में बात करेंगे. तो ये तो हो गई सारी स्पेसिफिकेशंस, अब आ जाते हैं इसके प्रोज पे कि भाई इसमें क्या खासियत है, हमें क्यों खरीदना चाहिए ये कैमरा. तो जितना भी मैंने इस कैमरे को अभी तक यूज किया है 1.5 साल में, उस हिसाब से आई एम टेलिंग यू गाइस, तो सबसे पहली चीज आती है कि बहुत ही लाइट वेट कैमरा है, बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट कैमरा है जिसको आप अपनी पॉकेट में भी फिट कर सकते हो. इट्स जस्ट लाइक अ फोन, जैसे फोन को आप कभी भी निकाल के एकदम कुछ भी शूट कर सकते हो. लेकिन फोन में क्या प्रॉब्लम होती है कि फोन में आपके कॉल्स वगैरह भी आते हैं, मैसेजेस वगैरह भी आते हैं, लेकिन इट्स जस्ट अ कैमरा. तो मान लीजिए आप कहीं पे कुछ जा रहे हैं, आपको शूट करना है, तो आपको कोई बड़ा कैमरा बड़ा सेटअप ले जाने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट अ वेरी कॉम्पैक्ट कैमरा, आप इसको जेब में डाल के और कहीं पे भी कुछ भी शूट कर सकते हैं एकदम से निकाल के. दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें मैनुअल फोकस दिया गया है, तो आप मैनुअली अपना फोकस एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही पीकिंग लेवल भी दे रखे हैं, तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी बिकॉज फोकस एडजस्ट करने में और आपको पता रहेगा कि कौन सा किस पोर्शन पे कहाँ पे फोकस हो रखा है. और आप इसका फोकस एक रिंग के थ्रू भी शिफ्ट कर सकते हैं, कैमरा के सामने एक रिंग दिया गया है जिसके थ्रू आप इसका फोकस चेंज कर सकते हैं, तो जो कि प्रोफेशनल कैमराज में भी ऐसा ही होता है. तो इस छोटे से कैमरा में भी ये चीज दी गई है, तो विच इज वेरी हेल्पफुल. थर्ड पॉइंट इज मेरे हिसाब से इट हैज अ रियली गुड ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैं आगे पीछे हो रहा हूँ तो इट्स स्टिल इन फोकस, कहीं पे भी फोकस आउट नहीं हो रहा है एंड इट्स ट्रैकिंग माई फेस वेरी वेल. हल्का फुल्का अगर आप थोड़ा ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा फोकस आउट हो जाए, बट ऑल इन ऑल जितना भी मैंने इसको यूज किया है इट्स ऑटो फोकस इज प्रीटी गुड. इट इज अ फोटो एंड वीडियो कैमरा, लेकिन इसमें जो फोटोज आती हैं वो काफी ज्यादा अच्छी होती हैं. मैंने फोटोज खींची हैं काफी सारी और कंसिडरिंग इट्स प्राइस और जो भी इसका बजट है उस हिसाब से मुझे फोटोज काफी डिसेंट लगती है. और प्लस आप इसमें रॉ फॉर्मेट में फोटोज खींच सकते हैं, साथ ही साथ एक ऑप्शन ये भी है कि आप रॉ और जेपेक दोनों फॉर्मेट में फोटो खींच सकते हैं, तो विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर समवन हु इज मोर इनटू फोटो एडिटिंग. लाइटरूम में अगर आपको फोटो एडिट करनी हो तो आप रॉ में फोटोज क्लिक कर सकते हैं, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूट्रल पिक्चर प्रोफाइल. तो हर कैमरा में पिक्चर प्रोफाइल्स होती हैं, हर पिक्चर प्रोफाइल की थोड़ी अलग सेटिंग होती है, किसी में सैचुरेशन ज्यादा होता है, कोई प्रोफाइल पोर्ट्रेट्स खींचने के लिए बनाई जाती है, कोई प्रोफाइल किसी और पर्पज के लिए बनाई जाती है. तो इसमें एक ऑप्शन है न्यूट्रल प्रोफाइल का. सो न्यूट्रल प्रोफाइल में क्या होता है कि आपका जितना भी कॉन्ट्रास्ट होता है, सैचुरेशन होता है, तो ये सब एकदम लो कर दिया जाता है. जैसे कि अभी मैं न्यूट्रल प्रोफाइल पे शूट कर रहा हूँ और उसके बाद आप इसको पोस्ट में कलर ग्रेड कर सकते हैं, तो विच इज वेरी हेल्पफुल. हालांकि ये लॉक प्रोफाइल नहीं है, इट्स जस्ट न्यूट्रल प्रोफाइल,
लॉक प्रोफाइल थोड़ी और अलग होती है, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती है, और भी काफी सारी प्रोफाइल्स हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें सॉफ्टवेयर में आप ज्यादा उसको कलर करेक्ट नहीं कर सकते। इसमें मैक्रो वाला ऑप्शन भी दिया होता है, तो अगर आपको मैक्रो फोटोग्राफी करनी है तो यू कैन चूज दैट ऑप्शन एंड आप उस हिसाब से क्लिक कर सकते हैं फोटो। और एक और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है फ्लिप स्क्रीन। आप जानते होंगे बहुत सारे कैमरे होते हैं, बहुत ही अच्छे कैमरे होते हैं, लेकिन उनमें फ्लिप स्क्रीन नहीं होती है। एंड फॉर एनीबॉडी हु इज मेकिंग यूट्यूब वीडियोस और हु इज व्लॉगिंग, फ्लिप स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक चीज मुझे काफी अच्छी लगती है, मेरे सामने सिर्फ लेंस रख दी जाए तो आई वॉन्ट बी एबल टू शूट माई वीडियोज, लेकिन बेनिफिट होता है कि आप खुद को देख सकते हो, आप फ्रेमिंग एडजस्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इन द प्रो सेक्शन इज बिल्ट इन एनडी फिल्टर। तो एनडी फिल्टर क्या होता है? ND फिल्टर इज बेसिकली न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। तो अगर आप धूप में जा रहे हैं, मान लीजिए दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप निकले और आपने कैमरा खोला, आपको बढ़िया सा एक बहुत ही बढ़िया फोटो खींचने का मन किया गया या वीडियो लेने का मन किया, आपने कैमरा खोला लेकिन आपकी स्क्रीन पर सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा है, ये होता क्यों है तो इसकी बात हम कभी फिर और करेंगे। तो आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि आपके कैमरा के लिए चश्मा है ND फिल्टर, जिससे कि जो भी धूप है, एक्स्ट्रा धूप आ रही है, वो उसको काट देता है। अलग से एनडी फिल्टर्स आते हैं, लेकिन इसमें आपको एनडी फिल्टर कुछ ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें बिल्ट इन एनडी फिल्टर ऑलरेडी दिया गया है। तो ये चीज काफी हेल्पफुल है अगर आपको दोपहर में जहाँ पे सनलाइट बहुत तेज है वहां पे अगर आपको शूट करना हो, विदाउट एडजस्टिंग योर शटर स्पीड, फोकल लेंथ और आईएसओ। तो ये तो हो गए भाई प्रोज वाली बातें, बहुत हमने अच्छा अच्छा बता दिया, ऐसा लग रहा है पॉजिटिव, आहा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी आपको कि क्या कैमरा है, बहुत ही अच्छे कैमरा, इसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये तो इसके प्रोस थे, अब आते हैं इसके कॉन्स के, क्योंकि प्रोस बोल के मुझे ऐसा लग रहा है मैं सेल्समैन बन रहा हूँ कि भाई ये कैमरा खरीदो, मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आई जेन्युइनली, मुझे 1.5 साल में जितना भी यूज़ किया, जेन्युइनली मैंने पॉइंट्स नोट आउट किए हैं कि मुझे ये चीज़ें पसंद आई, डैट्स व्हाई आई लाइक दिस कैमरा। तो अब आते हैं कॉन्स पे कि मुझे ये कैमरा क्यों नहीं पसंद है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इसमें कोई भी ऑडियो इनपुट ही नहीं है, तो आप एक्सटर्नल माइक नहीं अटैच कर सकते हैं, आपको इसकी जो इनबिल्ट ऑडियो है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इसकी इनबिल्ट ऑडियो बहुत ही खराब है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंपेयर किया था दो एक्सटर्नल माइक्स को, तो आप अगर चाहें तो आप वो देख सकते हैं। तो जो भी आपके पास माइक है तो आप उसको या तो किसी दूसरे कैमरा से अटैच कीजिए, किसी फोन से अटैच कीजिए, तब आके आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इसकी ऑडियो इनबिल्ट ऑडियो क्वालिटी बहुत खराब है। एक जो प्रॉब्लम आई है जो मैंने कहीं और बाकी किसी वीडियोज में नहीं देखी, लेकिन पर्सनली मुझे ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बॉदर करती थी, और वो ये थी कि किसी भी इन्वायरमेंट में जब मैं शूट कर रहा हूँ तो ये अपना एक्सपोजर खुद ही चेंज कर देता था। जैसे अगर मैं इधर थोड़ा मूव कर रहा हूँ, हालांकि अभी इस टाइम नहीं कर रहा है बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो जो मैंने शूट की थी उसमें अगर आपने देखा होगा कुछ कुछ जगह पे अपने आप एक्सपोजर चेंज हो गया था वीडियो में, तो वो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों होता है, या तो लाइट चेंज हो जाती है या तो मैं ज्यादा ऐसे मूव करने लगता हूँ इस वजह से होता है, बट ये चीज मुझे काफी बॉदर करती है एंड दैट्स वन थिंग दैट आई डोंट रियली लाइक। बट इसमें एक्सपोजर लॉक करने का फंक्शन है एज फार एज आई नो, तो आई शुड प्रॉबली चेक इन टू दैट। थर्ड पॉइंट इज दिस कैमरा इज नॉट गुड इन लो लाइट। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप लो लाइट में फोटो खींचना चाहते हैं बढ़िया सी एकदम तारों की अच्छी आहा मजा आ जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉइज आएगी। तो जितने भी लो रेंज कैमरास होते हैं वो हाई आईएसओ पे दे स्टार्ट टू गिव आउट नॉइज। पर्सनली आई डोंट रियली लाइक जब मेरी फोटोज में नॉइज आती है, लेकिन आप नॉइज या ग्रेन को, हालांकि डिजिटल कैमराज में नॉइज होती है, आप उसको आर्टिस्टिक तरीके से भी यूज कर सकते हैं इफ यू लाइक नॉइज। आई पर्सनली समटाइम्स आई लाइक नॉइज, मुझे नॉइज नहीं, मुझे ग्रेन ज्यादा पसंद है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल नॉइज दैट वी गेट इन दिस कैमराज एंड द ग्रेन जो कि फिल्म कैमराज में मिलता था। फोर्थ पॉइंट इज जो इसका आईएस है, इमेज स्टेबिलाईजेशन, आई डोंट थिंक इट इज दैट गुड। जब भी मैं चलते हुए शूट करता हूँ या फिर मैं कोई भी शॉट ले रहा होता हूँ तो कैमरा काफी ज्यादा हिलता है। का स्टेबलाइजेशन ठीक है, आई वांट से कि खराब है, इट्स डिसेंट बट इट्स नॉट दैट गुड। तो अनदर पॉइंट इज जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो जूम इन जूम आउट इसका बहुत स्लो होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी अगर मैं इस पे जूम करना चाहूँ तो यू कैन सी कितना स्लोली हो रहा है, एंड दिस इज द फुल जूम, इससे 4.2 into, और इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता है। और इफ आई जूम बैक आउट यू कैन सी कितनी स्लोली हो रहा है। इतने में तो मैं अपना खाना खा लूं भाई। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता हूँ
तो इसका जूम बहुत फास्ट होता है, तो विच इज अ वेरी अब्सर्ड एंड वियर्ड काइंड ऑफ थिंग, पता नहीं ऐसा क्यों है। अनदर पॉइंट इज कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है, इस कैमरा की ऑडियो क्वालिटी वो बहुत ही खराब है। आप इस कैमरा को ले जाएंगे कहीं शूट करने के लिए इन द हाई नॉइज इन्वायरमेंट, तो बहुत ज्यादा नॉइज आती है। इवन व्हेन द रूम इज साइलेंट तो भी अंदर से पता नहीं इसमें कुछ नॉइज सी आती है, वो भी बहुत तेज। देर आर टू मोर डिसएडवांटेज ऑफ दिस कैमरा कि ये कैमरा 4K में शूट नहीं करता है, ये कैमरा सिर्फ 1080p में शूट करता है, विच इज इट्स मैक्सिमम रेजोल्यूशन इन वीडियो। एंड दूसरा पॉइंट ये कि ये 50fps से ज्यादा शूट नहीं करता है। तो दो ऑप्शन है इसमें, या तो आप 25fps पे शूट करिए या फिर आप 50fps पे शूट करिए, उससे ज्यादा नहीं देता है, लाइक 60 एंड इवन मोर देन दैट। लेकिन इतनी सारी मैंने दिक्कतें आपको बता दी है, मैं ये बताना चाहता हूँ जो कैमरा है, जिस बजट में ये कैमरा मिलता है, तो उसमें आप ये चीजें इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बस मैं एक कंपैरिजन आई वाज जस्ट ड्रॉइंग की इसमें क्या क्या मुझे अगर चीज़ें होती तो मैं इस कैमरा को कभी बदलता ही नहीं। लेकिन उसके लिए दूसरे कैमराज हैं और कैमराज हैं। तो ये तो सारी हो गई प्रोज एंड कॉन्स की बातें। नाउ द क्वेश्चन कम्स अप, शुड यू इवन बाय कैनन G7X Mark II इन 2021? एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज देर आर मेनी अदर कैमराज इन द मार्केट्स एज वेल, तो व्हाई शुड वी बाय दिस कैमरा? फॉर एग्जाम्पल जो ये कैमरा है, इसका एक नया वर्जन भी है कैनन G7X Mark III, एंड एक सोनी का वर्जन है सोनी ZV-1, जो कि इसी रेंज में कैमराज आते हैं फॉर ब्लॉगिंग पर्पस एंड फॉर यूट्यूब वीडियोस काइंड ऑफ पर्पस। लेकिन इन तीनों कैमराज में प्राइस का काफी ज्यादा डिफरेंस है। जो कैनन G7X Mark II है दैट इज अराउंड 35,000, एंड जो कि कैनन G7X Mark III है विच इज 52,000, और जो सोनी का कैमरा है सोनी ZV-1 which is even more, it costs around 60,000 rupees and it's almost double of Canon G7X Mark II. तो सवाल ये आता है कि भाई तीन तीन कैमराज हैं, कौन सा कैमरा खरीदना ठीक रहेगा हमारे लिए? तो आपका भाई इस सवाल का जवाब देगा। सबसे पहले तो भाई आपके बजट पे डिपेंड करता है। तो अगर आप वो इंसान है जो फोन से शूट करता है और जिसको अपग्रेड करना है, उसको चाहता है कि भाई थोड़ा अच्छी क्वालिटी हो वीडियो की, थोड़ा मेरे को मैनुअल कंट्रोल भी मिले ताकि मैं और चीजें एक्सप्लोर कर सकूं और मैं खुद से डिसाइड कर सकूं कि मुझे क्या शूट करना है, कैसे शूट करना है, तो भाई ये कैमरा आपके लिए है कैनन G7X Mark II, अगर आपका बजट 35K के अराउंड है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप उन दोनों कैमरा में से भी चेक कर सकते हैं। सेकंड, इफ यू ऑलरेडी हैव कैनन G7X Mark II, अगर आप वो इंसान है जिसके पास ये कैमरा पहले से ही है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं एक नए कैमरा में फॉर ब्लॉगिंग पर्पस एंड फॉर यूट्यूब वीडियोस, और आपका बजट है अराउंड 60K, मतलब मैक्स 60K, तो आप कैनन G7X Mark III और सोनी ZV-1 में देख सकते हैं। दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ कैमराज हैं। इसमें बेसिकली दो एडवांटेजेस दिए गए हैं कि आप इसमें 4K में शूट कर सकते हैं और आपको एक एक्सटर्नल माइक जैक दे रखा है जिससे कि आप एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर सकते हैं अपने ही कैमरा में, तो आपको किसी फोन में या फिर किसी दूसरे कैमरा में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जितना भी मैंने बताया ये उन लोगों के लिए जो फिल्म मेकिंग साइड नहीं बल्कि ब्लॉगिंग या फिर जस्ट नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस ऐसे बैठ के यूट्यूब वीडियो बनानी है और उनका बजट 60K के अराउंड है, इससे ज्यादा वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई जो भी मैंने पिछली बात की ये आपके लिए। लेकिन अगर आप वो क्रिएटर हैं जिसका फिल्म मेकिंग साइड में ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन ब्लॉगिंग, तो भाई ये कैमरा खरीदने की बिल्कुल भी गलती मत करना। और साथ ही साथ डोंट इवन बाय DSLR कैमराज, क्योंकि आई थिंक DSLR कैमराज अब बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं और देर आर न्यू टेक्नोलॉजीज, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के कैमराज आ चुके हैं मार्केट में, जैसे कि मिररलेस कैमराज आजकल ज्यादा चल रहे हैं काफी फॉर फिल्म मेकिंग पर्पस। मेरे हिसाब से कैनन का एक कैमरा है M50 विच इज अ वेरी गुड एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा, अगर आपको वो खरीदने की इच्छा है तो यू कैन चेक दैट आउट, उसका भी प्राइस अराउंड 50-60,000 है इन माई ओपिनियन। तो इन दी एंड आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट और आपके बजट के हिसाब से जो भी आपको सूट करे गो फॉर दैट कैमरा। सो द कंक्लूजन आई विल ड्रॉ फ्रॉम दिस वीडियो इज कैनन G7X Mark II इज स्टिल एन अमेजिंग कैमरा इवन इन 2021, स्पेशली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स अंडर द बजट ऑफ 35,000। सो गाइज दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एज यूजुअल लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो कि आप किसी और टॉपिक पे अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड एज ऑलवेज ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। वो ज्यादा हाई कैमराज होते हैं वो हाई जितने भी लो रेंज कैमराज होते हैं वो हाई जितने भी लो रेंज कैमराज होते हैं वो हाई ISO पे हाई ISO पे तो जितने भी लो रेंज कैमराज होते हैं वो हाई ISO पे क्या कर देते हैं, मुझे क्या पता क्या कर देते हैं। तो जितने भी लो रेंज कैमराज होते हैं वो
तो जितने भी लो रेंज कैमरास होते हैं वो हाई आईएसओ पे दे स्टार्ट टू गिव आउट नॉइज, ये बोलना है भाई, बोलो। हाई आईएसओ पे दे स्टार्ट टू गिव आउट अनदर पॉइंट जो कि मुझे बहुत से जा रहा है भाई, आपके एयरटेल नंबर 999 रिचार्ज करें, रिचार्ज करने के लिए पैसा कहाँ है रे बाबा।